अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्टोर एक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगोज। मैंगो 2.5 लाख। ऐसा कभी कुछ सुना है तूने? एक एक आम दो आम तुझे कैसे पता? दो आम मुझे सजेस्ट किया थी किसी ने वीडियो। अच्छा जी, ये कहानी है। ये कहानी है। और वैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ दिन हम लोग जो थे, क्योंकि यूट्यूब बैन हुई थी, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मैसेजेस आ रहे थे अपने व्यूवर्स की तरफ से। तो हम लोग सेफ़ हैं, आप लोग हमारी केयर करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग पूछते हैं कि यार आप लोग सेफ़ हो, क्योंकि कंट्री के हालात कुछ ऐसे थे कुछ दिनों से कि पूरी दुनिया में ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार कोई भी बेखबर है इस चीज़ से कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम लोग वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहे थे, यूट्यूब नहीं चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हालात ख़राब थे। लेकिन उसके बावजूद ये शुक्र है कि जिस एरिया में हम थे सेफ़ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ हमारे साथ और आप लोगों के साथ। हम लोगों ने कहा कि चलें आज कोशिश करते हैं, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर तो यूट्यूब नहीं चल रहा था, तो मोबाइल सामने रख के हमने कहा कि कुछ रिएक्शन आज स्टार्ट तो करें कम अज़ कम। क्यों जी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इनकी इससे पहले हम वीडियो पर रिएक्शन दे चुके हैं, बहुत ही फनी वे में बहुत मज़े से वीडियो को बनाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं यार इनकी वीडियो पर रिएक्शन देना बनता। चैलेंज स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर ट्राइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो। I've never been so turned on, Sadi. Red color ka mango. Do mangoes se bhi sasti hai meri bike. Aur andar se kitna zabardast yellow hai. Bata yaar tera Japan trip kaisa raha? Ye mera drift dikh raha hai? Tokyo drift. Tokyo drift. Aam khas. Aam khas. Aam khas. Aa rahe hai. Already baithe hue hai. इतनी लाइटिंग, इतना ड्रामा आम के लिए। 2.5 लाख का आम ब्रो, तो मतलब ये अभी इस प्लेट में 1,25,000 1,25,000 रखे इस प्लेट में। ये मैंने खुद नहीं देखा। 2 इज इनसेन यार। पहले भाई स्मेल तो बहुत तगड़ी है भाई। ये यहाँ पे इन्होंने बेसिकली वो जो होते हैं ना प्राइस और डेट, शायद वो है, ये मार्किंग कर रखी है इनकी। तो मियाज़ाकी एक जगह है बेसिकली जापान में जहाँ पे हार्वेस्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मियाज़ाकी है। ये लौता आम है इस दुनिया का जो किलो के हिसाब से नहीं बिकता, एक सिंगल यूनिट के हिसाब से बिकता है। इनका ऑक्शन लगता है, पता है। वेदर, पर्टिकुलर वेदर चीज है, हॉटनेस होनी चाहिए उस जगह, उधर बारिश भी होनी चाहिए। हम दोनों को जाना चाहिए ना उधर, मतलब अगर हम खड़े होंगे तो हॉटनेस भी होनी चाहिए और वहाँ पे बारिश भी होनी चाहिए, तब ये आम वहाँ पे लगता है। तेरा केटीएम कितने का है? भाई मेरी KTM कुछ 1.5-2 लाख का है। दो मैंगो से भी सस्ती है मेरी बाइक। Probably this is the shortest OK Dashed video, क्योंकि सिर्फ एक चीज हमें खानी है, क्योंकि इससे ज्यादा बजट था नहीं ना। हिंदुस्तान में एक मध्य प्रदेश में एक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर फैमिली ने एक खेत ले रखा है जहाँ पर वो जर्मन शेफर्ड रखते हैं और इसकी प्रोटेक्शन रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए थे विद गन एंड ऑल टू सेव, किसी ने एक भी चोरी कर लिया तो क्या? भाई आई वुड आल्सो डू द सेम। क्या ये यार बहुत यूनिक चीज है, मैंने इस तरह पहले नहीं सुना था कभी भी। रेड कलर मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट वी आर हैविंग। तहजीब से कोई नहीं खाता। थेरेपी ब्रो, बहुत सही है, ये बहुत ही सही है भाई। बेसिकली इसका जो पल्प है उसमें आपको अपने दांत के जोर लगाने की जरूरत नहीं है, टच करते ही अपने आप ऐसे एकदम कट के एकदम स्लाइस हो के अपने आप मुंह के अंदर बस जा रहा है। मेल्ट इन माउथ जो है ना सेंटेंस, वो आई थिंक मियाज़ाकी आम के लिए ही बनाए। तो हम लोग इसकी रिसर्च कर रहे थे कि मियाज़ाकी मैंगोज इतने महंगे हैं, नहीं अभी
मियाज़ाकी मैंगोज इतने महंगे हैं हिंदुस्तान में, लेकर आते कहीं से, जुगाड़ते हैं, तो अमेज़ॉन पे ही अवेलेबल था और कहीं अवेलेबल नहीं था। अमेज़ॉन पे कुछ 2000 रुपए तक का अवेलेबल था। तो नकली होगा? नहीं, तो वो सिर्फ सीड था। ओ, वो सिर्फ सीड था। फिर भी ठीक है यार, 2000 का सीड अगर बंदा लेके लगा दे, गर्मी भी है सर्दी भी है वो बारिश भी है कि नहीं, ठीक है, और उस फ्रूट को पॉलिनेट करने के लिए बीज लगते हैं, तो विदाउट द बीज ये मैंगोज इतने बड़े नहीं होते, एक साल लगता है और एक ट्री से ज्यादा एक साल में 200 मैंगोज निकलते हैं बस, दे आर रियली रेयर। बीज से मेहनत करवा रहे भाई साहब के लिए, खाएगा तू उसका छिलका, मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका छिलका एक्चुअली खा रहा हूं, छिलके से मेहनत खा रहा है, तू लाइक रोटी आम, ये भी छिलके से, ये सही में रोटी आम जैसा है भाई, खा सकते हो जैसे रोटी और आम को आप खाते हो वैसा लिटरली भाई। अगर इंडिया में कोई आम से क्लोजर टेस्ट में बोलूं तो आई थिंक इट वुड बी लंगड़ा। लंगड़ा अल्फांसो, अभी मेरा सही बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा एक पैसे का ये खाने का। इंग्लिश में बेसिकली इट्स एग ऑफ द सन, इन जापानीज इट्स कॉल्ड तायो नो तमागो। तायो नो तमागो, तायो नो तमागो, तो जो सारे मैंगोज हार्वेस्ट होते हैं एक साल में उसमें से जो टॉप 15-16% है ओनली दोज आर तायो नो तमागो एंड दिस इज वन ऑफ दोज ब्रो। ओ भाई, भाई ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, देख भाई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा लेकिन मैं समझ सकता हूँ भाई, इस आम के बाद नहीं खा सकते ये तो बहुत खट्टा है ब्रो। ये भी सही है। अच्छा वैसे मुझे चौंसा पसंद है बहुत। झूठ क्यों बोल रहा है? तूने तूने कभी बाल से एक्चुअली तोड़ के खाया, लाइक ढेला मार के खाया? हां हां हां, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना तो मेरी बहुत मेमोरी ब्लर्ड है, यू नो व्हाई, तो एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट मैंने पेड़ से गिरे हुए आम खाए तो है। समझ नहीं आ रहा कौन सी लग रहा है मेरे को। नहीं अच्छा तो ये लग रहा है क्योंकि ये ना ये पल्पी ज्यादा है, जूसी कम है, ये जूसी ज्यादा सही बात है। बट भाई मैंगो इज लाइक टेक मी बैक टू टाइम, लाइक जस्ट रिमेंबर तू स्कूल से आया वापस, ठीक है, खाना वाना खाया तूने, फिर वापस तो खेलने गया, खेल के तो वापस आ रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है, तू बैठा है और मम्मी मस्त ऐसे आम काट के तुम्हारे सामने तेरे और बहन के सामने रख दिए, तुम टीवी देख रहे हो, दूरदर्शन देख रहे हो और वो कटे हुए आम तुम चूसते हुए अपनी टी शर्ट में गिराते हुए चाटते हुए उंगलियों को खा रहे हो। गर्मियों की छुट्टियों में यही होता था यार। क्या विजुअल था, किधर ले गया, होता क्यों था, बस अभी भी तो पैसा कमाते हैं ना लोग, दारू की पेटी खरीद रहे हैं, मैं जो आम की पेटी, और क्या यार, मतलब ये आम खाते हैं ब्रो आज, वही मैं कह रहा हूं, सर्का बनाएंगे, नीचे पेपर बिछाएंगे और खेटम खेट पूरा आम, लेट्स डू सम डैंक डैडी स्टफ, या ब्रो लेट्स ईट सम मिर्च लगा के, बेसिकली नमक और मिर्च लगा के मैंने कच्चा आम खाया है, जो अंबियां होती है, अंबियां जो ग्रीन कलर का होता है, उसको अगर नमक मिर्च लगा खाओगे ना, आहा इतना सही टेस्ट, मतलब स्पाइसी एंड टैंगी, समझ रहे हैं, कच्चे मैंगो के साथ कर सकते हो क्या है ग्रिल, हाँ, उसके साथ तुमने कुछ थोड़ा सा नमक डाल दिया सॉल्टीनेस के लिए, बहुत अच्छा लगता है, जस्ट ट्राई इट वंस। फरुखाबाद में सिकंदरपुर करके एक गाँव है, सिकंदरपुर खास, तो वहाँ पे पूरी आम की खेती हुआ करती थी और हमारे बगीचे हुआ करते थे बड़े बड़े, पापा के साथ जाते थे मैं सारे कजन्स, बाल्टी भर के पेड़ों से आम तोड़ते थे, फिर ट्यूबवेल में हम थोड़ी देर चिल मारते थे, बाथटब बेसिकली, देसी बाथटब, आम वहीं पे धोते थे, वहीं पे खाते थे, देसी बाथटब, लेटे हुए वहीं पे धो रहे, वहीं पे काट रहे, खा रहे। बट तूने अलग अलग फॉर्म में खाया, जैसे बिहार में खाया जाता है चूड़ा और उसके ऊपर आम का पल्प पूरा भर के, भाई बहुत अच्छा लगता है सुनने में, आई एम श्योर अजीब लग रहा होगा बट कभी ट्राई करना। मैं तो रोटी के साथ मैंने खाया इसको, क्या बात कर रहे हो, मतलब एक रोटी लो, रोटी तोड़ो और आम लो, रोटी के साथ मैंने भी खाया है, मैं छोटा था तो मैं एक बार ऐसे चलते चलते आम खाने लग गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ये तो हमारे गैल का लौंडा, आंदे आंदे भाई, मुझे जेन्युइनली ऐसा कभी नहीं लगा था कि हम एक पूरा वीडियो करेंगे जिसमें हम दो दोस्त बैठ के सिर्फ एक आम खाएंगे, कभी नहीं सोचा था। 100% वर्थ इट है भाई, 100% नहीं यार, इतना वर्थ इट कैसे, ना महंगा है इतना वर्थ इट कैसे हो सकता, मतलब 5000 बोलने वाला था, 10000 किलो यार। देखो ये तो हमने टाइटल के लिए किया है कि 2.5 लाख का है, तो जापान से हमारे लिए आम विश्वास लेके आया, तो ये हमें पड़ा 2.5 लाख का, नहीं पड़ा इंडिया में 2.5 लाख का है ये। अच्छा ऐसा है क्या, जापान से मंगाओगे ना तो सस्ता पड़ता है, हमें पड़ा है क्योंकि हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में ये 2.5 लाख का है। ओके गाइस, हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, हमें बहुत मजा आया दुनिया का सबसे महंगा आम ट्राई करके, वी होप आपको भी उतना ही मजा आया हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज दोस्तों लाइक बटन पे मियाज़ाकी फेंक के मारिए, कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि अगला फूड कौन सा ट्राई करें महंगे से महंगा, एंड कमेंट करके बताना आपको इंडिया में सबसे अच्छा मैंगो कौन सा लगता है, प्लीज नाम बताना। हाँ, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ओके टेस्ट, या प्लीज ऐसे लोगों के साथ शेयर करो, अपने मम्मी पापा के साथ ये वीडियो तो शेयर कर सकते हो यार, सॉरी भाई, चलिए बचा रही हूँ, बहुत फनी लगता है। और किसी को छिलका, I'm here without you babe, I'm here without you baby, I'm here without you baby, and then you're not anyone.
अच्छा और यूनिक था बहुत ज्यादा ना, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था कि कोई इतना महंगा आम हो सकता है। और इन्होंने जैसे पूछा ना कि आपका फेवरेट कौन सा, एक मुझे जोन सा, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया में सारे नाम सेम होते होंगे, सेम होते हैं कि नहीं, यहाँ पे लंगड़ा तो है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो सफेद चौसा है ना, उसकी खुशबू बहुत और उसका टेस्ट रस से भरा हुआ और बहुत मजे का होता है। और उसके अलावा मुझे जो है ना वो सिंदरी आम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सिंदरी हमारे जो यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वो सिंदरी से स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो पक कर आता है। तो वो एक तो मिल्क शेक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसके जो आम का साइज होता है ना वो बड़ा होता है, पल्प उसका बड़ा बड़ा पल्प आता है, बड़ा सुथरा सा पल्प, चौंसा जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो वो सिंदरी काफी बड़ा और खूबसूरत आम होता है, मतलब कि अगर किसी को गिफ्ट भी आपने जैसे करना है ना, तो वो सिंदरी बड़ा, वो मतलब उसमें ना आप ये कह लो कि सख्त पना होता है ऊपर से और अंदर से वो फुल पका हुआ, और वो बड़ा मजे का होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि कहीं से लगा हुआ नहीं होगा आम, तो वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जोन सा। वैसे तो अब सीजन आ गया है, स्टार्ट हो गया है यार, समर्स अगर किसी वजह से मुझे अच्छी लगती हो ना, वैसे गर्मियां मुझे नहीं अच्छी लगती। वो एक आम और एक अब तरबूज। पहले मुझे तरबूज नहीं अच्छा लगता था, मैं नहीं खाता था जब मैं छोटा था, लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं कहता हूँ कि यार वो जो तरबूज खाने के बाद एक डकार आती है ना वो बहुत मजे की लगती है। कल भी मैंने लिया है, लेकिन बड़ा जबरदस्त का पीस उसमें ना। अच्छा तरबूज में ये बात होती है, तरबूज में आपका तरबूज अंदर से लाल और अच्छा निकला है ना, तो एक खुशी सी होती है कि मैं कितना लकी हूँ, कितना साफ सुथरा पीस निकला है। और एक ये जिस तरीके से इन्होंने कहा ना, मेरे ख्याल 10,000 या 12,000 का बोला कि हमें पड़ा है वहां से, है ना, जापान से हाँ। यार मुझे इस चीज की हैरत हो रही थी कि चलो इंडिया में उन्होंने कहा 2.5 लाख का है ये, इतना महंगा क्यों है, इतना महंगा यार, उसके लिए जर्मन शेफर्ड रखे हुए हैं, किसी ने तो लगाया होता रेड कलर का आम, मैंने अभी तक ये फर्स्ट टाइम जिंदगी में देखा है। यूं जैसे तो है बिल्कुल रेड आम होते हैं यहाँ पे, नहीं मैंने, लेकिन वो ये नस्ल नहीं होगी, लेकिन रेड बिल्कुल रेड आम होते हैं, मैंने नहीं देखे तो मार्केट। हाँ अब जैसे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अब तो बस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाई जा रही है, तो ये सब्जियों में फलों में भी जो है वो नहीं वो हाइब्रिड वो निकाल रहे हैं, तरबूज येलो कलर का अंदर से बिल्कुल येलो। मैंने कहा तो इसको जब लेंगे तो फिर हम कैसे कहेंगे कि जैसे हम अभी कहते हैं अंदर से लाल है या नहीं है, फिर हम कहेंगे कि पीला है कि नहीं है, सही पीला होना चाहिए। टेस्ट क्या होता होगा फिर, ये सेम टेस्ट होगा पता नहीं यार क्या, लेकिन बहरहाल वीडियो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मज़े की होती है। और फ्रेंड्स आप लोग भी हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब ये डिस्कस कर रहे थे ना वो 90s में या उस तरह करके, जब ये अपना वो पुराना टीवी का एक शो बता रहे थे ना, दूरदर्शन देख रहे हैं आप और साथ में जो है थके हुए हैं आप, यार मुझे तो वो अपना टाइम याद आ जाता है कि गर्मियाँ हों, गर्मियों की छुट्टियाँ, स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ हमेशा यही जून से स्टार्ट होती थी अगस्त तक ना, तो उसमें आम की जो एक ख़ास चीज़ होती थी वो यही होती थी कि छुट्टियों में आम, बस खाने के बाद आम, ये मिल्क शेक भी बनाना है फिर वो करना है। तो वो आप लोग किस तरीके से आम को एंजॉय करते हो, और आपका फेवरेट आम कौन सा है, क्या नाम सारे सेम होते हैं, और वहाँ पे रेट्स क्या रहते हैं। यहाँ पे तकरीबन अभी जो स्टार्ट हुए हैं इस सीज़न में, वो तकरीबन 350 पर केजी से स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल स्टार्ट का आम है, इतना अच्छा होगा अभी नहीं, कच्चा होगा अभी। वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो होते थे ना वो 200-250 पर केजी ये रेट्स होते थे, इस दफ़ा 300-350। यहाँ पे जो सबसे अच्छा आम है वो सिंध का आम है, बहुत अच्छा टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है ना, तो वो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट तैयार हो गया। फ्रेंड्स ये थी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।